मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप हमारी असेंबली कार्रवाई को देखते हैं, उसमें गालियों के अलावा और कोई चीज नहीं है। सच्ची बात यह है कि हमारी असेंबली में जो मैं बैठता हूं, वहां हमारे माएं और बहनें और बेटियां भी हमारे साथ होती हैं। हमारे ये जो सियासी लीडर है, एक दूसरे के लिए जो इशारे, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमें वहां बैठते हुए बहुत शर्म आती है कि ये कार्रवाई तो टीवी के जरिए हमारी पूरी कौम देखती है। तो इंसान ने चांद पर कदम रखा, इंसान मरीख की तरफ जा रहा है, और हमारे हुक्मरान और आपके ये लीडर एक दूसरे को जलील करने, एक दूसरे को रसवा करने के लिए नए नए अल्फाज ईजाद कर रहे हैं। इसलिए इन हुक्मरानों से और इस क़ियादत से खैर का तवक्को रखना, ये अपने आप को वैसे बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे भाई ने कहा है कि पहले जमात इस्लामी एहतजाज करती थी, हमने एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उस प्रोग्राम को मैंने उस वक़्त इसलिए मुअख्खर किया कि मकबूज़ा कश्मीर पर इंडिया ने कर्जा किया, और फिर मुनासिब नहीं था कि एक तरफ कश्मीर पर उसने कब्ज़ा किया हो, हड़प किया हो, और हम यहाँ महंगाई और बेरोजगारी की बात करें। और फिर करोना वायरस का वबा, जाहिद भाई ने कहा कि जमात इस्लामी कहाँ है? जमात इस्लामी कराची से लेकर चतराल में इस वबा के दौरान आपकी कौम की खिदमत में मसरूफ थी। हमारा कल भी, मैं कराची से आया हूँ, 37 हमारे कारकुनान जख्मी हैं। हमारे एक कारकुन जो तनूली था हजारे से, वो शहीद हो गए। बाकी साथी हमारे कई साथी ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है। जुर्म किया था, यही नारे लगा रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीरियों सुन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब आप लोग मैदान में आ जाएं, आप लीडिंग कर ले, जमात इस्लामी चारों तरफ आपके साथ मौजूद है। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान एक वेलफेयर इस्लामी रियासत बन जाए, और जब तक ये वेलफेयर इस्लामी रियासत नहीं बनती है, उस वक़्त तक न मजदूर खुशहाल होगा, न कारखानादार खुशहाल होगा, न काश्कार खुशहाल होगा, और न ज़मींदार खुशहाल होगा। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निजात दिला दें? क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम सब मिलकर अपनी अदालतों में इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए वहाँ कुरान और हदीस को अदालतों का निज़ाम बना दें? क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने तालीमी इदारों में तबकाती निज़ाम को ख़त्म करके वहाँ एक इस्लामी और एक यकसान निज़ाम तालीम नापिस कर ले? क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस मुल्क के ज़राए अबलाग को तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, कौम को एक कौम बनाने के लिए इस्तेमाल करें? ये सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह का वादा यही है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदावंद पाक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक वो खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार ना हो। तो इसलिए आप अपनी इस हालत को बदलने के लिए तैयार है कि नहीं है? आप तैयार है ना जी? तो इंशाल्लाह अल्लाह के साथ वादा करें कि मैं अपनी अच्छी नीयत के साथ इस मुल्क को एक फलाही रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद करूँगा। अल्लाह बरकत से नवाजेगा। और अभी दुआ से पहले, ये जो पहले सब के लोग हैं, अपनी जगह पर बैठकर हाथों में हाथ डालकर इस मुल्क को एक फलाही और इस्लामी रियासत बनाने के लिए और ताजर उनके मसाइल हल करने के लिए हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार करें। और जो पीछे लोग बैठे हैं वो अपनी जगहों पर खड़े होकर, और आप यहाँ पर इसलिए कि जब आप उठेंगे पीछे लोग नजर नहीं आएंगे, आप भी एक दूसरे का हाथ में हाथ दे दें, बिल्कुल पूरी तरह। आप लोग भी, आप भी लोग, आप बैठे बैठे बैठे, ताकि जी आप ऐसा कर ले कि यहाँ आकर उनको भी कवर कर ले, इधर इस तरफ से भी आ जाए। आबिद भाई, नहीं नहीं, ठीक ठीक है ठीक है, वो हमारे मीडिया के दोस्त इधर भी आ जाए। आबिद भाई हो गया? नहीं, बहुत शुक्रिया। ये सवाल किसी ने पूछा है कि अवाम सादिक व अमीन उम्मीदवारों को
इंशाअल्लाह ताला देंगे जब जमहूरियत आज़ाद होगी और पुलिंग स्टेशन आज़ाद होगा और पहले से मैनेजमेंट ना हो तो ये देंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कर दें, दुआ फरमाएं। असल में ये शहर आपका है, ये आप लोग यहाँ की लीडर है, आप यहाँ मेहमान नहीं हैं। इस्लामाबाद के असल वारिस आप लोग हैं और आप अगर नहीं चाहेंगे तो कोई वो चीज़ यहाँ नहीं बन सकती जिसको आप ना चाहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और ये क्या बात हुई कि वहाँ 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर तामीर करना शुरू कर दी और यहाँ भी उसी सोच के तहत गरीब भूखे मर रहे हैं और इन्होंने 500 मिलियन रुपया इस मकसद के लिए रखे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप ताजरों का मसला भी एड्रेस कर ले, लेकिन ये भी आपके बुनियादी मसाइल में से, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ज़रूर। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم। अल्लाह रब जलाल हमारी इस मजलिस को शर्प कबूलियत अता फरमा। अल्लाह रब करीम ये जो ताजर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है इन सब के मसाइल को इस दुनिया में भी हल